और आप देख रहे हैं अटेंशन। बीजेपी ने तय किया है कि वो घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के सुझाव लेगी। इसके लिए प्रदेश भर में सुझाव पेटी लगाई जाएगी, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर कमलनाथ ने हमला बोला है। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी को सुझाव पेटी नहीं, सुलझाव पेटी लगानी चाहिए और जनता की समस्या सुलझानी चाहिए। इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के सुझाव पेटी पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या कांग्रेस को डर इस बात का है कि बीजेपी जनता से सुझाव लेकर उसकी गारंटी का कार्ड निकाल लेगी? और सवाल तो ये भी है कि क्या जनता से मिले सुझाव और उसके आधार पर तैयार हुआ घोषणा पत्र बीजेपी की चुनावी राह को आसान बना देगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। घोषणा पत्र पर आर पार, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार, सुझाव पेटी पर निशाना साधा, वादों पर चढ़ने लगा सियासी पारा। यूं तो जनता की समस्याओं और उनकी जरूरतों पर नेताओं का ध्यान कम ही रहता है, लेकिन जब नेता जनता से सुझाव मांगने लगे तो समझ लीजिए कि वोटों की फसल कटने का समय आ गया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र बनाने से पहले प्रदेश भर में सुझाव पेटी लगाएगी, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के सुझाव लेने वाली स्कीम पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है कि जनता सुझाव देगी कि क्यों सौदेबाजी कर चुनी हुई सरकार गिरा दी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने ऐसे और भी कई तंज भरे सुझाव जनता की ओर से बीजेपी को दिए और अब कांग्रेस नेता भी बीजेपी को सुझाव देने के बहाने उस पर निशाना साध रहे हैं। अगर 18 साल में काम किया होता मामा, तो आज आपको पेटी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 9 साल से तो मोदी जी अपने मन की बात सुना रहे हैं। आपने मोदी ने जनता के मन की बात सुनी नहीं और अब आप मजबूरी है, क्योंकि आपको मालूम है अब आपके दिन पूरे हो चुके हैं, अब आपकी रवानगी का समय बहुत ही नजदीक कि बीजेपी जनता से सुझाव लेकर ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना चाहती है जिससे हर वर्ग को उत्साह सके। साथ ही कांग्रेस अपने वचन पत्र में जो गारंटी देने वाली है उसका भी काट उसे मिल जाए, लिहाजा बीजेपी ने सुझाव पेटी लगाने का फैसला किया है। हालांकि कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के सुझाव पर बीजेपी उस पर हमलावर है और कांग्रेस को उसका घोषणा पत्र याद दिला रहे हैं। कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी तो सुझाव पेटी में सुझाव लेती है क्योंकि हमें अपने विकास के एजेंडे पर, अपने विकास की रीति नीति पर विश्वास है, पर आप किस मुंह को लेके जनता के बीच में जाएंगे? 51 आपने गरीब कल्याण की योजनाएं बंद करने का काम किया जनता के सामने, मुझे लगता है कि आपको आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कटाक्ष करने की जगह। जाहिर है घोषणा पत्र के जरिए राजनीतिक दल अपना विजन इति में थोड़ा बदलाव करते हुए जनता से सुझाव मांगकर उनके मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को साथ कर चुनावी रण जीता जाए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के मैनिफेस्टो को टारगेट पर लेकर मनोवैज्ञानिक बढ़ता लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और अब देखना होगा कि घोषणा पत्र में सुझाव को लेकर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाती है और किसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। आवाज आ रही शुक्ला जी आपको? जी जी, मैंने कहा मौका कोई भी हो, नेता उसमें राजनीति का कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं, अब चाहे भले घोषणा पत्र की, क्योंकि किसी भी पार्टी की रीति नीति का एक सबसे बड़ा दस्तावेज होता है कि चुनाव जीतने के बाद कौन सी पार्टी क्या करेगी। ये ऐसे वादे वो ढूंढते हैं कि जिसको देखकर वोटर उनको वोट कर दे, फिर बाद में देखा जाएगा कि वो वोट वादे कितने पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर उसके लिए तमाम तरह के बहाने भी होते हैं, एक्सक्यूज भी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा है कि वो जनता के बीच से सुझाव मांगेगी घोषणा पत्र पेटी लगाकर, और कांग्रेस जिस प्रकार से उस पर तंज कस रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब चुनावी प्रपंच के तहत ये सब कुछ होता है और जनता
सुझाव मांगने की कोशिश अगर बीजेपी कर रही तो मैं इसकी आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब अब पूरा युग हाईटेक हो गया है, जो हम लोग डिजिटल युग में चल रहे हैं, अब ऑनलाइन भी तो सुझाव ले सकते, दूसरी बात यह है कि सुझाव में पारदर्शिता कितनी रहेगी, कैसे पता लगे कि क्या सुझाव आए थे, कितने सुझाव पार्टी के किस स्तर पर जो है स्वीकार करा। कोशिश ये है कि वो जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, और कांग्रेस जो है वो जैसा चुनाव में होता है जो विपक्षी पार्टी अपना जो है बीजेपी के जो प्रयोग है ये घोषणा पत्र बनाकर जनता का सुझाव लेने की कोशिश उसकी वो आलोचना कर रही है। लेकिन ये बात आप ये मानिए, आप इस देश की स्थिति क्या, देश में या प्रदेश में हम लोग राजनीतिक गुलाम है, एक बार हम वोट देने के बाद में हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है, ये तो हमसे पूछ के दल नहीं बदलता है। अगर जनता पेटी में यही सुझाव डाल दे कि हम जिसको वोट देंगे वो दल छोड़ के नहीं जाएगा तो क्या नेता मान जाए, बिल्कुल ऐसी है। दूसरी बात एक और मैं आपसे बताऊं कि सुझाव को लेकर कोई इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं तय है कि हम किस संदर्भ में सुझाव दे सकते हैं, बीजेपी कह रही है आप सुझाव दीजिए तो हमारे सामने भी तय नहीं है कि सर किस मिनट में जाकर सुझाव दें, मतलब बेरोजगारी को लेकर सुझाव दें, महंगाई को लेकर सुझाव दें, करप्शन को लेकर सुझाव दें, यह नेताओं की एक विश्वसनीयता है उसको लेकर हम कुछ सुझाव दें। खैर बीजेपी जो कुछ कर रही है वो सब चुनावी प्रपंच है, और अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो वो भी जो है चुनावी है, जनता को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जनता की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ वोट देने तक हम लोगों की हैसियत है, वोट देने के बाद हम लोगों की स्थिति जो है राजनीतिक गुलामों जैसी हो जाती है, नेता चाहे जो कुछ करे, जिस पार्टी में रह जाए जिस पार्टी को छोड़ के चले जाए, महंगाई चाहे जिस स्तर पे बढ़ा दे, करप्शन को चाहे जहां ले जाए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुझाव वाली जो एक कोशिश है ये केवल एक चुनावी प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो ये पैटर्न जो आप कह रहे हो आज भी लागू होता है कि क्यों ना उस नेता को जवाब दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेता वादा पूरा नहीं कर रहा है, तमाम घोषणा करता है, तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो एक ही क्षेत्र से एक बार दो बार नहीं 6-6, 8-8 बार चुनाव जीतते जाते हैं, वो दिवंगत हो जाते हैं या किसी कारण से उनका टिकट कटता है, तो उनकी बेटी है, बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं, वो लगातार चुनाव जीतते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी तो उसको विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा हमको करना चाहिए, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं, भले वो महंगाई की शक्ल में हो या फिर उस शक्ल में हो कि वो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं। लोहिया ने तो ये भी कहा था कि सरकारों को बदलते रहिए, जिस तरह से रोटी को तवे पे अच्छे तरह से सेकने के उसे कई बार उलटना पड़ता है, उसी तरह से बेहतर लोकतंत्र के लिए भी जरूरी कि आप सरकारें करते रहिए, लेकिन बेहतर के अभाव में जनता करे तो क्या करे, किसको चुने आप ये बताइए, जब हमारे पास में सीमित विकल्प होता है तो फिर हमें ये लगता है कि ज्यादा बुरा से अच्छा ये कि कम बुरा हमारे लिए ठीक है, बाकी जनता की अपेक्षाएं न तो वो पार्टी पूरी कर रही जो सरकार में है और न वो पूरी करती हुई नजर आ रही है जो अभी विपक्ष में है। देखिए हम लोग के असली मुद्दे क्या है, असली मुद्दे हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, सुशासन है, हमारी आवश्यकता है सुशासन, बुनियादी सुविधाएं, जब सरकारें बुनियादी सुविधाओं को कमाई के जरिया बना लेंगी और जनता का सुझाव देगी साहब कि ये जो आपने हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसमें पेट्रोल भी शामिल है साहब इसमें से टैक्स घटा दीजिए, कोई सरकार घटाएगी क्या, अगर हम ये कहें साहब कि करप्शन दूर कर दीजिए तो राजनीति के जब एक बात आकर्षण करप्शन रह गया तो सरकार करप्शन कैसे दूर करेगी, सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, प्रश्न उठता है कि अगर महंगाई कर देगी चीजें सस्ती होंगी तो आदमी महंगा हो जाएगा, तब आप उसे 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देकर कैसे खरीद पाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति में है देश का मतदाता, उसके सामने बहुत सीमित विकल्प है और हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है हम नेताओं को चुन सकते, राइट टू रिकॉल जैसी चीज तो हमको मिली नहीं साहब, कैसा लोकतंत्र देश का, हम जिसको चुनते हैं उसको हटा नहीं सकते, हम सक्षम कर सकते हैं कह सकते हैं कि अब अगली बार ये भी होना चाहिए जनता की ओर से कि राइट टू रिकॉल का अधिकार भी मिलना चाहिए कि अगर हमको लगता है तो हम उस जनप्रतिनिधि को वापस बुला लें। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज़ है कि बीजेपी ये पहली बार नहीं कर रही, हमने देखा है कि जब पिछली बार जब जो बजट बनते हैं वो समूहों में चर्चा करती कई बार कि डॉक्टर से बात कर ली उन्होंने, सीए से बात कर ली है, गृहणियों से अलग अलग बात कर लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि सब दूर हम सुझाव पत्र मांगेंगे, वो पेटियाँ लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक पेटी रख दें और उम्मीद करें कि कोई आदमी सुझाव देने किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो ढूंढेगा कि अपने बगल के किसी जगह पर उसको सुविधा मिल जाए जहाँ वो अपना सुझाव दे दे, और जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं वो सुझाव दे भी दे तो क्या गारंटी उसको माना जाएगा,
तीसरा कि क्या गारंटी वो जो सुझाव है जिसपे पार्टी ये कहेगी कि जनता का मैनिफेस्टो है कि वो वाकई जनता का ही सुझाव है या उनके किसी कार्यकर्ता ने दिए हैं या उनको जो करना है उसको वो जनता के नाम पे थोपने करेंगे कि भैया देखिए हमने जनता से ये सुझाव मांगे थे, हमको इतने लाख सुझाव आए हैं, इसमें ये मेन चीज़ें आई और हम उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जो आपने संभावनाएं जताई हैं कि जनता के जरिए या जनता के नाम पर वो अपने मुद्दे भी या अपने वायदे जो करने वाले हैं वो घोषणा पत्र वो भी थोप सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिरे से खारिज नहीं करता मनोज जी कि आपने सुझाव पेटी लगाई है तो इनका कोई फायदा नहीं होगा। हमने देखा सुझावों से, जो पहले हमने देखा प्रबुद्ध वर्गों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, तमाम तरह के हर वर्ग से, हर क्लास की एक बैठक लेकर बीजेपी ने एक तरह से लोगों से सुझाव लिए थे, उनसे बहुत सारी योजनाएं बनकर निकली हैं। मनोज जी, यदि हम आज की लोकप्रिय योजनाओं की बात करें तो ये भी जनता के सुझावों से ही आई हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे अन्य क्या समस्याएं हैं जनता की। तो यदि आप जनता से सुझाव ले रहे हैं तो इनका काफी हद तक फायदा तो होता है। उसके जरिए आप यदि कोई योजना भी लेकर आ रहे हैं या जनता ने नहीं दिए, आपके कार्यकर्ता ने दिए, तो आप तभी लोगे ना, वो ज्यादा लोगों को प्रभावित करने होगी, क्योंकि घोषणा पत्र होता है, वचन पत्र होता है, आप उसको जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसमें कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ग को लाभान्वित पहुंचा सके, एक समूह को लाभान्वित पहुंचा सके। एक व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई योजना नहीं बनाता, कोई वचन पत्र नहीं देता, या तो वो समाज को साधने वाला होगा, एक पूरे वर्ग को साधने वाला होगा, तो ये पूरी रणनीति का हिस्सा रहते। हो सकता है ये जो पेटियां रखी जा रही हैं, सुझाव पेटियां, इनमें बहुत अच्छे सुझाव आ जाएं, लाखों सुझाव आएंगे निश्चित तौर पर, और बीजेपी के पास एक ऐसा संगठन है, वो चाहे तो सुझाव हर मंडल स्तर तक ले सकता है, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, क्यों नहीं वो अपने कार्यकर्ताओं से कह देगा कि पेटी बनाइए आप, प्लास्टिक की बनाइए या पुट्ठे की पेटी बना लीजिए या कागज की पेटी बना लीजिए, लोगों से सुझाव ले लीजिए। तो उनके पास ऐसा संगठन है, तो इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं लगती कि वो ऐसा सुझाव नहीं ले पाएंगे। इनकी संख्या लाखों में भी हो सकती थी, जब हम देखते हैं पिछली बार बैठकों के माध्यम से लेते थे तो बाकायदा नोट करते थे, बहुत सारे सुझाव ऐसे आते हैं कि शुरू में ही खारिज हो जाते हैं, उनका वहां पे सुझाव देने वाले कहते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, इससे ये हुआ, तो वहां पे ये समस्या थी। और चुने हुए सुझाव आ सकते थे, छटनी वहीं हो जाती एक तरह से, लेकिन यहाँ पे आपके पास लाखों की संख्या में आएंगे, तो आप उनको सार्वजनिक रूप से भी कह सकते हो कि ये सुझाव आया, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारे सुझाव पहुंच जाते थे, बाकायदा उनने ऑनलाइन सुझाव मांगे थे, हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी व्यवस्था की थी, कई सुझाव से आप देखिए बेहतर तरीके से काम हुआ, सरकार की योजनाओं में सुधार हुए। तो जो फीडबैक आता है जनता से, फीडबैक के बाद ही तो आप योजनाओं में ठीक करते हैं। तो यदि आपके घोषणा पत्र में कोई सुझाव जनता देती है तो निश्चित तौर पर यदि आप उसको लेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन बात ये, घोषणा पत्र से ही सिर्फ आप चुनाव जीत जाते हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा है, क्योंकि वो तमाम घोषणा पत्र यदि आप पलट के देखेंगे उनके पन्ने, तो मीडिया में भी जो हम देखते हैं जो घोषणा पत्र हमारे सामने जारी होता है, बिल्कुल, उसमें बहुत सारे वादे जो है हम ही भूल जाते हैं। तो जनता तक वो वादे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, उन पर अमल होता है या नहीं होता। यदि घोषणा पत्र की बात हम करें तो हम देखिए पिछले दिनों एक सवाल जवाब का दौर चला था, कमलनाथ जी सवाल पूछते थे, शिवराज जी सवाल पूछते थे, तो मुझे लगता है जनता को रिकॉल ये भी करना चाहिए कि पिछली बार आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। अब आपके पास मौका है, आपके पास यदि कोई जनप्रतिनिधि जाता है वोट मांगने जाता है, यदि वो आपने चुन लिया था उसको, तो आप पूछिए कि आपने सड़क का वादा किया था, आपने नाली का वादा किया था, आपने वो पूरा क्यों नहीं किया। मुझे लगता है कि जनता को भी रिकॉल करना चाहिए उन मुद्दों को जो पिछली बार वादे किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए। यदि आप लोकतंत्र जिस तरह से परिपक्व हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज में लोग जागरूक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दौर भी दूर नहीं है अशोक जी, जो आप कह रहे थे कि एक तरह से हम गुलाम हो जाते हैं। आज की तारीख में नेताओं को हर रोज परीक्षा देना पड़ती है, जनता पत्थर मारती है, मोहल्ले में नहीं घुसने देती, आपने देखा होगा गांव से लौटा देती, दौड़ लगवा देती, बिल्कुल ऐसे परिस्थितियां बदल के माला ही पहना देते हैं, जूते की माला ही बनाते। तो ये दौर धीरे धीरे आप देखिए सुधार हो रहा है कि जवाबदेही बढ़ती जा रही है, यदि वो वादे कर रहे हैं तो पूरा भी करना पड़ेंगे उनको। शुक्ला जी, एक और चीज हम देख रहे हैं कि गारंटी की बात हो रही है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही बीजेपी पर कि मुद्दे ये होना चाहिए, सवाल ये पूछे जाना चाहिए, और जो उनका अपना पिछली बार का जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र था उसके जो वादे थे अधूरे अधूरे रहे। लेकिन लोगों को ये भी बताया जाना चाहिए कि जो कर्नाटक की गारंटी की योजनाओं की मध्य प्रदेश में बात हो रही है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 5 गारंटी हमने दी है उसका बजट है 40,000 करोड़ रुपया, इसलिए विकास के सारे काम आप भूल जाइए, सांसद विधायक निधि आप भूल जाइए, अगर केवल हम इसी में पैसा देंगे ना कोई विकास होगा। तो इसी को तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगर बीजेपी भी इस प्रकार के वादे कर रही, जो आपने कहा कि जनता को सवाल पूछना चाहिए, कांग्रेसियों से भी पूछना चाहिए कि जब एक राज्य में आपका यह हसरे जो हमसे बड़ी इकोनॉमी है तो दूसरे में आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। और शायद चुनाव आयोग को भी ये कर देना चाहिए कि अगर कोई आप घोषणा करते हैं
तो आपको डिटेल में बताना होगा कि इस मद में अगर 1,00,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं या 20,000 करोड़ या 2,000 करोड़ या 50 करोड़ भी खर्चा कर रहे हैं तो वो पैसा आएगा कहाँ से। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी ये है। और अभी आपने चुनाव आयोग जिक्र किया है तो मैं तो लगातार चुनाव आयोग को लिखता भी रहा हूँ कि जिस तरह से आपने खर्च की सीमा तय कर रखी है उसी तरह से नेताओं के लिए झूठ बोलने की सीमा भी तय कर रखी है। अभी आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, चुनाव के दौरान उन्होंने किस तरह की घोषणाएं की और अब वो कह रहे हैं कि उनके पास में पैसा नहीं है। 2014 के चुनाव में भी कुछ इस तरह के वायदे हुए थे, बाद में ये कह दिया गया था कि साहब ये तो सब झूठे हैं। तो देश में जो राजनीतिक कारोबारी हैं वो वोट की पूंजी जुटाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। जो विपक्ष में रहता है उसके वो मुद्दे होते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं। जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है तो बेरोजगारी की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, करप्शन की बात करेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद में फिर वो भूल जाते हैं और फिर ये मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ चले जाते हैं। दोनों बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति हम देख चुके हैं, दोनों की सरकारों को हमने देख लिया है। हमारे मुद्दे अब स्थायी हो गए हैं, ना ये सरकार हमारे मुद्दों को दूर कर पाती है, वो सरकार हमारे मुद्दों को दूर कर पाती है। रही बात सुझावों की, हम कितने सुझाव दें? जनता जब आंदोलन करती है, सड़क पर उतरती है या जनता त्राही त्राही करती है, चाहे वो पेट्रोल के नाम पर करे या करप्शन के नाम पर करे, तो उस पर क्या सुझाव देने की कोई आवश्यकता रहती क्या? हमारे देश के नेता इस देश के नेता नहीं है क्या? क्या उनको जमीनी हकीकत पता नहीं है क्या कि एक आम आदमी किस तरह से परेशान है? कानूनों के ऐसे मगर जाल में हमको उलझा के रख दिया गया है कि नियम कायदों को पालन करना हम लोग को घूस लग रही है। हमारी एक समस्या हो तो हम गिनाए और हम एक सुझाव पेटी में अपनी समस्या डालें, अनगिनत समस्याएं, हम तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि उसका समाधान भी हम जो है राजनीतिक दलों से ही चाहते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, चुनाव के समय नेता हम लोगों से सब सुनेंगे, सब तरह के वायदे करेंगे, चुनाव के बाद में नेताओं को दिखना भी बंद हो जाता है, सुनाई देना भी बंद हो जाता है। अभी ये हमारे सुझाव भी लेंगे, हमको माई बाप भी कहेंगे, हमको ये भगवान भी कहेंगे, अच्छे दिनों का ख्वाब भी दिखाएंगे, विकास के तमाम तरह के दावे करेंगे और उसके बाद में क्या होता है, ना ये आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक जनता के पास में राइट टू रिकॉल जैसी चीज नहीं होगी तब तक देश की नेता बिरादरी जनता के साथ में राजनीतिक गुलामों जैसा व्यवहार करेगी, हमारी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। नेताओं की स्थिति देखेगी कितनी बेहतर हो गई, देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। तो मेरा सुझाव तो ये है कि हर बार जो है जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जो बड़ी पार्टी लोकप्रिय पार्टी है, उसे गरीब तबके के लोगों को टिकट देना चाहिए, उसको विधायक सांसद बनाना चाहिए, एक मेरा सुझाव है। अगर ये दोनों पार्टियां मान लें, दिक्कत ये भी ना कि अगर कोई ईमानदार आदमी चुनाव मैदान में आता उतरता नहीं, वो कहता कि राजनीति हमारे लिए नहीं है, और जो कोई उतरने का प्रयास भी करता है तो जनता उसको इतने बुरी तरह खारिज करती है। मणिपुर का छोटा सा उदाहरण है इरोम शर्लिन का, कि जो 16 साल तक अनशन करती है अफसपा के खिलाफ में, और जब वो चुनाव लड़ती है तो जितने साल उसने संघर्ष किया उतने साल की जितने उसको महीने होंगे उतने वोट भी उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज़ हम देखते हैं, जो हालांकि हमने कई बार इसका जिक्र किया है, कि जब चुनाव आयोग ने कंपलसरी कर दिया कि उम्मीदवार जब मैदान में जाएगा तो अपने आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को देगा, उसके पहले अब ये भी कानून बना देना चाहिए चुनाव आयोग को कि आप जब चुनाव में नया मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे तो आपको पिछला मैनिफेस्टो के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने 2,200, 2,000 जो भी घोषणा की थी उनमें से कितनी पूरी हो गई, कितनी बची हुई है, जो बची हुई उनका स्टेटस क्या है, और जो पूरी नहीं हुई वो किस कारण नहीं हुई है। देखिए मनोज जी, जिस तरह से विकास होता है निरंतर प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव सुधारों में भी निरंतर प्रक्रिया चल रही है। पहले आप देखिए किस तरह से दल बदल था, फिर दल बदल कानून आया तो अब सामूहिक रूप से उसकी बुराइयां भी सामने आ गई, तो इसमें संशोधन होता रहता है। जिस तरह से कानून को संशोधित किया जाता है इसी तरह से चुनाव आयोग भी, जब लगातार हम देख रहे हैं कि ये फ्री वीज की समस्या आज जो मुंह फाड़ के खड़ी हुई है, ये पहले उतनी नहीं थी मनोज जी। किसी ने कहा कि एक बत्ती कनेक्शन देंगे, किसी ने कहा हम छोटा मोटा लोन देंगे, बकरी का लोन देंगे, घर देंगे, कुटिया बनाएंगे, मकान बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो जिस तरह से मुफ्त की योजना है रेवड़ी की तरह बांटी जा रही, तो आप निश्चित रहिए कि आगे जाने वाले समय में ये वोटर कुछ लगाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वही वोटर तो लुभावनी स्कीमों के में आकर वोट कर रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों को जनता का भी जवाबदेही है ना मारो जी, जिम्मेदारी उसकी भी है कि उसको भी जागरूक होने की जरूरत है। सामूहिक तरह से किस तरह से जनता का भला हो रहा है इस पर वो गौर करेगा, ना कि इस पर गौर करे कि मुझे कितना लाभ हो रहा है। जो व्यक्तिगत लाभ की जो प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, मुझे कितना लाभ हो रहा है इस सरकार से, मेरा कितना फायदा हो रहा है, आप देखिए 1,000 दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 1,500 देंगे, वो कह रहे हैं 3,000 दे रहे हैं। तो जब आदमी ये सोचता है कि ये 3,000 मुझे ये देंगे तो उसको चुनेगा, यदि कोई कह रहा है कर्ज माफी करें, ये नहीं देख रहा है कि कर्ज माफी करने से मध्य प्रदेश का विकास कितना रुक जाएगा, सड़कें कितनी रुक जाएंगी, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। तो ये जनता को भी सोचना होगा, वो फ्री की तरफ
योजनाओं की तरफ भागेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान पूरे प्रदेशवासियों को उठाना पड़ेगा, देश को उठाना पड़ेगा। तो जागरूकता वहां भी जरूरी है ना, सिर्फ सरकारों को तो वोट चाहिए, तो लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा कि वोट के लिए वो ये कर रहे हैं या भले के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक जो कंट्राडक्शन हम देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगले 4 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी और इसी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देश आर्थिक विकास की दौड़ में कितना आगे है। तो जो आंकड़ों की और जुमलेबाजी है तो उस पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो विराम लगाना होगा, चाहे उसकी पहल जो राजनीतिक दल करें चाहे वोटर करें। बहरहाल अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर जो फ्रीबीज की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं तो आपको विराम देना होगा, क्योंकि वादे हैं, वादों का क्या है, आप बड़ी बड़ी घोषणा कर दीजिए। और एक कहावत है बुजुर्ग लोग कहते हैं, अगर मन के लड्डू हों तो घी कम नहीं रखना चाहिए। तो वही स्थिति राजनीतिक दलों की हो गई है कि अगर 1,000 की बात करता है तो दूसरा 3,000 की बात करने लगता है। एक कहता है कि मैं स्कूटी दूंगा, दूसरा कहता है कार देने लगूंगा, एक कहता है मैं मकान दूंगा, तो दूसरा हो सकता है कि चांद पे प्लाटिंग करने की बात करते कि चांद पे मैं आपके लिए इतना बड़ा एक टुकड़ा दूंगा, या कोई हो सकता है कि मैं मुफ्त हवाई सफर कराऊंगा तो वो कहते हैं भैया अगली साल जो है चंद्रयान में आपको सबसे पहले भेजा जाएगा। तो ये ऐसी घोषणाएं योजनाएं जिन पर रोक लगना चाहिए और जनता को भी आगे आकर ये देखना चाहिए कि वो क्षणिक लाभ के लिए वो लंबे समय तक अपने हितों से, प्रदेश के हितों से, समाज के हितों से, देश के हितों से तो समझौता नहीं कर रहे हैं। अटेंशन मार्ज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।